देश के अंदर स्थिति ऐसी हो गई, जिधर जाओ उधर ये गाने बज रहे हैं, जिधर जाओ उधर ये स्थिति बन रही है। अदानी तूफान जी, हाँ ये स्थिति गाने 26 जनवरी को गाने ऐसे सुनाई देते हैं आजकल, आप सुनो ध्यान लगा के। धरती सुनहरी, धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो। हम तो समझे सच्चा है वो, निकला झूठा डेरा, ऐसा देश है मेरा। अब लटूरी जी और राम रहीम गुरप्रीत जी को पकड़ के ले गए तिहाड़ जेल में, तो आसाराम जी ने उनका वेलकम किया, आइए स्वागत है। और स्वागत करते हुए नीरज मोदी जी साहब, उन्होंने आसाराम जी ने कहा राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी से, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, ताली बजाकर खुलिए साहब, बता मेरे यार गुरप्रीत रे भाई, घना दिला में पकड़ायो। हनीप्रीत के तो हाल बता दे, सब गुफा के राज बता दे, ओ जिगरी यार गुरप्रीत रे भाई, घना दिला में पकड़ायो। इतने में और रामपाल जी आ गए उधर से, इनको दोनों को जब देखा आसाराम जी और राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी, तो रामपाल जी कहने लगे, कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले। जैसे गुंडे से कोई गुंडा मुस्कुरा के मिले। जिंदाबाद भाई, तो जिंदाबाद का है अब्दुल करीम टुंडा आ गया। तो हमारे इधर गाना बजता है वो झाबा जिले में, उसको याद हो वो गाना गा दिया अब्दुल करीम टुंडा, ए बापू जेल माए ताड़ी पी के नाचो रे। ये व्यवस्थाएं साहब, स्थितियां होती है लटूरी जी। कहते हैं ना कि जो आदमी जिस चीज के लिए बना अगर वो ना करे, तो भगवान कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए वो तस पल चाखा। लेकिन आइए आज मूढ़ कवि सम्मेलन में ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करते हैं, आनंद की बातें करें है? बता रहते हैं आदमी हंसता कहाँ है, वास्तव में आदमी हंस ही नहीं पाता है आज के माहौल में, और खासकर शादी के बाद तो 28% GST लग जाता है। शादी के बाद तो आदमी हंसता नहीं, कहीं यहाँ पे आके बैठ जाए तो पत्नी की तरफ देखता है, पत्नी मुस्कुराए तो वो मुस्कुरा रहता है। मोदी जी शादी के पहले हम गाना गाते हैं, शादी के पहले हमारे गाने ऐसे होते, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे के लोग हमें याद करेंगे, और शादी के बाद ये गाने बंद हो जाते हैं, दूसरे वाले चलते हैं। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा डॉक्टर को बुलाए कि बीपी मेरा लो हो गया। लोकेश भैया वो एक पति प्रवचन सुन के घर गया, पति प्रवचन सुन के घर गया और पत्नी को गले लगाया, तो पत्नी बोली, क्या पंडित जी ने प्रवचन में आपको यही सिखाया जो आकर मुझे गले लगाया? तो पति बोला, नहीं जी भाग्यवान, पंडित जी ने तो ये कहा है कि तमाम मोह माया को त्याग दो और प्रभु की ज्योति मन में जगा लो, दुखों से भगो मत बेटा, इनको तो अपने गले लगा लो। ये स्थितियां होती है। आज माता बहने यहां पर बैठी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कुछ ही योजना प्रारंभ की, बाबाओं के भक्त से मुझे याद आया, उन्होंने प्रारंभ की लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ अभियान। अब इस बेटी बचाओ अभियान से हमारे एक बाबा जी प्रभावित हो गए,
और जगह जगह जाकर महिलाओं को बेटी का महत्व बताने लगे, बेटियों के बारे में प्रवचन देने लगे, कहने लगे कि देवियों यत्नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है, जिसके यहाँ दो कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग के दो दरवाजे खोल देता है, और जिनके यहाँ तीन कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के तीन दरवाजे खोल देता है। तो एक महिला खड़ी, क्यों रे महाराज इस स्वर्ग के दरवाजे कितने हैं? पंडित जी कहने लगे कि देवी स्वर्ग के सात दरवाजे हैं, और जिनके यहाँ सात कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के सात दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी क्यों महाराज महाराज नौ कन्या, दो दरवाजा तुम धरवा खोलेगा।